नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। चाईबासा में आज झामुमो की नामांकन सभा में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और कई राज्य के मुख्यमंत्री उनकी सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे। चाईबासा में लोगों से एक बार फिर से मंत्री दीपक बिरुआ को जिताने की अपील की। मौके पर मंत्री दीपक बिरुआ ने भी भाजपा पर निशाना साधा। नामांकन सभा का संचालन झामुमो नेता इकबाल अहमद ने किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मंच पर मंत्री दीपक बिरुआ ने किया स्वागत। नामांकन सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री दीपक बिरुआ, सांसद जोबा मांझी, मनोहरपुर के झामुमो प्रत्याशी जगत मांझी, जिला परिषद चेयरमैन लक्ष्मी सोरेन आदि मौजूद रहे। अब आइए देखते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री दीपक बिरुआ ने क्या कहा। थोड़ा मौसम खराब हो रहा है, अभी हमको बहुत दूर जाना है, इसलिए बहुत संक्षिप्त में बात रखेंगे। क्योंकि आज सब आप लोग आए हैं हमारे सरकार में, हमारे सहयोगी मंत्रिमंडल, सहयोगी मंत्री दीपक बिरुआ जी के चुनावी नामांकन पत्र भरने में, तो हम भी सोचे कि हम भी सहयोगी बन जाते। और आज इसी क्रम में अभी हम लोगों ने घाटशिला विधानसभा का पर्चा भराया। अभी हम वहां पर गए थे और वहां से यहां आए हैं, और अभी हम के वापस जाकर के मुझे भी अपने विधानसभा का पर्चा भरना है। इसीलिए संक्षिप्त में ये बातें कहने आए हैं कि आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में चुनावी जंग का बिगुल फूंक चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार। एक तरफ पूंजीपतियों की सरकार, दूसरी तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूरों का सरकार। राज हम लोगों के पूर्वजों ने लड़ मर करके हमें सौंपा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हम लोग का विधायक लोग जिद में नहीं करता था। खाली राज लेने में ही हम लोग कैसे मिलेगा झारखंड, इसी पर हम लोग का चिंता रहता था, हमारे अगुआ नेता लोग का चिंता रहता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, यही नारा गूंजता था। लेकिन विधायक और सांसद कैसे बनाएंगे ये हम लोग को उतना समझ में नहीं आता था। 2000 ईस्वी में राज तो मिल गया और हम लोग भी बोका जैसा सोचने लगे कि राज बन जाएगा तो अपने आप हमारा सब कुछ सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़ा चतुराई से हम लोग का नेता शहीद निर्मल माथुर जी, आदरणीय शिबू सोरेन जी जैसे नेताओं ने अपना जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब दे दिया और राज लेने में भी इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। हम लोग का लोग नेता आंदोलनकारी शहीद होते थे और ये भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग विधायक और सांसद बनता था, और नतीजा ये हुआ राज तो लड़के लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग, लेकिन सत्ता चलाना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी का लोग। और 19-20 साल ऐसा सरकार चलाया कि इस राज में लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भाग भाग करते मर गया। इतना बुरा हाल कर दिया, भूख से मरना एक अभिशाप किसी राज्य के लिए होता है। लेकिन हम लोग का सरकार 2019 में हम लोग भी लड़ झगड़ करके सरकार बनाए हैं, गठबंधन का सरकार बनाए हैं, और सरकार बनाते ही सब तो सबसे पहले हम लोग के बीच में इतना बड़ा चुनौती आ गया जो पूरा देश दुनिया में समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाला समय में मानव जीवन का क्या होगा।
कोरोना जैसा महामारी, लॉकडाउन जैसा आदेश पारित हो गया। यही केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिना देश के लोगों को समय दिए एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक मिनट भी नहीं लगाया, पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। जहां का तहां पूरा देश खड़ा हो गया। नौकरी चाकरी, हाट बाजार, फैक्ट्री सब बंद। और जो हमारे गांव देहात से अलग अलग राज्य में काम करने जाते थे, उन लोग को भी फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया, मजदूरी करने से बाहर कर दिया, ये हालत कर दिया। उस चुनौती में भी, जबकि राज्य में इतना गरीबी है कि हमारा गांव का लोग एक दिन काम नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता, ऐसे हालात में भी हम लोग एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। और अपने फंसे हुए उन झारखंडी भाइयों को आपका ये भाई और देश में पहला ये सरकार अपने झारखंडी भाइयों को, आदिवासी मूलवासियों को हवा जहाज से, ट्रेन से, बस से, ट्रक से लाद लाद करके आप लोगों के घर में पहुंचाने का काम हम करते थे। और आज इस कोरोना की लड़ाई में इस राज्य को तो हम बचा लिया, हमारे मंत्रीगण मिलकर के राज्य के चारों तरफ सेवा करते करते राज्यवासियों को तो बचा लिए, लेकिन हमारा दो दो को मंत्री मर गया। हमको इतना बड़ा इस कोरोना से लड़ने के लिए कीमत चुकानी पड़ी है। एक हाजी हुसैन अंसारी साहब, भाई जगन्नाथ महतो, ये दोनों हमने मना किया कई बार कि आप लोग घर से मत निकलिए, आप लोगों का तबीयत खराब है। 110 रुपये का यूनिट कर दिया, साबिन को आप बिजली 50,000, 80,000, 1,00,000 बढ़िया चिका के बराबर पकड़िए। अरे बिजली विभाग रंग को जुए नहीं थे, लाइन को कटाया, बिजली चोरी कर रहा है, बिजली का बिल नहीं दे रहा, कहते केस के दो चीज चुका के बराबर करिए। तो कौन को बीजेपी को, कौन को डबल इंजन वाला को, कौन सरकार रघुवर सरकार इन्हें तो कोई सुधार किया। अब वो जब सरकार हो जुए ना हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को भाई किया इन्हें चुनाव आए ना 3,650 करोड़ रुपया जो बकाया बिल तय की ना अबू है चितन 80,000, 50,000, 40,000 आंगन मामला उठा गया। चाहे बसा का एक एमएलए दीपक गुरु आप ही आते ना जो तीसरी बार एमएलए में बाई की है सरकार ने ऐसी जबरदस्त उठा गया। टाटा कॉलेज मुख्यमंत्री समीचे के तय की ना 3 जिले रिया इनता पूरे इनका पजिए ना आखिर ना 6 महीने आया था जब मंत्री को बाई की है कैबिनेट में उठा गया है ना दो 3,650 करोड़ रुपया पूरे झारखंड रिया बिजली बिल माफिया ना सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली मतलब कम से कम 5 फुट पंखा।